नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिंदिता सिंह है और मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी कोलकाता में कंसल्टेंट हूँ। आज हम पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पीजीटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आईवीएफ के द्वारा तैयार किए गए एम्ब्रियोज को गर्भ में स्थापित करने के पहले उनकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। यह एक बहुत एडवांस्ड टेक्निक है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही की जाती है। आईवीएफ प्रोसेस में हम आईवीएफ लैब में भ्रूण को तैयार करते हैं, महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को मिलाकर एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और इस एम्ब्रियो को हम 5 दिनों तक लैब में कल्चर करते हैं। उसके बाद इस एम्ब्रियो से एक सिंगल सेल निकाला जाता है और जेनेटिक लैब में उसकी जाँच की जाती है। जाँच करके हम यह देखना चाहते हैं कि वह एम्ब्रियो जेनेटिकली स्वस्थ है या नहीं। पीजीटी रिपोर्ट मिलने के बाद हम उस एम्ब्रियो को सिलेक्ट करते हैं जो जेनेटिकली स्वस्थ हो और उसे वापस मां के गर्भ में रख दिया जाता है। मगर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीजीटी हर महिला के लिए आवश्यक नहीं है। यह एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही की जाती है। जो महिला 2 बार से ज़्यादा आईवीएफ करवा चुकी हैं मगर प्रेग्नेंट होने में असफल रही हैं, उन्हें रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, उन्हें हम पीजीटी करने की सलाह देते हैं। कई बार महिलाओं का बार बार मिसकैरेज या गर्भपात होता है, इन केसेस में भी हम पीजीटी करने की सलाह देते हैं। पीजीटी करके हम यह देखते हैं कि उनके कौन से एम्ब्रियो जेनेटिकली स्वस्थ हैं और उन्हीं एम्ब्रियोज को वापस गर्भ में रखा जाता है। कई बार कपल्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तो उन्हें भी हम पीजीटी की सलाह देते हैं ताकि हम स्वस्थ एम्ब्रियोज का चयन कर सके जिसमें वह जेनेटिक बीमारी ना हो। अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है या वो कई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करा के भी प्रेग्नेंट होने में असफल रही हैं तो उन्हें भी पीजीटी से फ़ायदा हो सकता है। तो पीजीटी जेनेटिक रोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आईवीएफ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एम्ब्रियोज पर की जाती हैं। पीजीटी का प्रमुख उद्देश्य है श्रेष्ठ एम्ब्रियोज का चयन करना ताकि सफल गर्भाधान के अवसर बढ़ाए जा सके। धन्यवाद।